अमेरिकी संसद में उस बिल पर मतदान किया गया जो ग्रीन कार्ड जारी करने को लेकर देशों पर लगी सीमा को हटाने की बात करता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के 310 से ज्यादा सांसदों के समर्थन से फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट के आसानी से पास होने की संभावना थी और सत्र खत्म होते होते ऐसा मुमकिन भी हुआ। अमेरिकी संसद में पेश किए गए बिल के पास हो जाने के बाद ग्रीन कार्ड की संख्या पर लगी लिमिट खत्म हो जाएगी। बिल को सामने रखने वाले इस बात से खुश हैं कि 203 डेमोक्रेट्स और 108 रिपब्लिकन्स ने बिल को समर्थन दिया था। इसके प्रस्तावक ने जल्द परिणाम देने वाली प्रक्रिया को अपनाया जिसके तहत ही बिल को बिना सुनवाई और संशोधन के पारित किया जा सका है। बिल के पारित होने के लिए 290 मतों की जरूरत थी जो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के हिसाब से लगी लिमिट हटने से ज्यादा फायदा भारत जैसे देशों को होगा। लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय पेशेवर इसका फायदा उठा पाएंगे जिनके लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार एक दशक से भी ज्यादा वक्त का हो चला था। हाल के दिनों में किए गए कुछ रिसर्च के मुताबिक H1B वीजा प्राप्त भारतीय IT पेशेवरों के लिए ये इंतजार 70 साल से भी ज्यादा का है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस कानून से भारतीयों को ग्रीन कार्ड के साथ साथ H1B वीजा भी ज्यादा संख्या मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2018 तक अमेरिका के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 3 लाख भारतीय ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।